हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलकी पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से सबसे बड़ी खबर आई है, जो दिनांक 9/1/2022 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन साइट पे आज ही दिया गया है। विषय में है स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं प्रस्नातक में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र भरने की निर्धारित समय दिया गया है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरी तरह से जानने से पहले पास में बेल आइकन का घंटी उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आगे लिखा हुआ अधिसूचना। अयोध्या द्वारा विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं प्रस्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। विवरण। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की तिथि, जो प्रारंभ तिथि यानी कि स्टार्टिंग जो डेट है 24/1/2022 का, अंतिम तिथि जो है 15/2/2022 का। महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधित करने की एवं परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करने की तिथि 24/1/2022 को शुरू किया गया, 17/2/2022 को इसका अंतिम तिथि है। दोस्तों, कुछ निर्देश दिया गया है कि छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कैसे कैसे है हम आपको बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट में जो है छात्र छात्रा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु वेबसाइट www.rmlauexams.in खोले। उसके बाद जाना है वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर मेन एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर प्राइवेट एक्सटर्नल जो लागू हो वो क्लिक करें। तीसरा में जो लिखा हुआ, तत्पश्चात ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में वंचित विवरण को सावधानीपूर्वक भरें। चौथा नंबर में लिखा हुआ है, समस्त सूचनाओं को पूरित करने के उपरांत भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट 2 प्रतियों में निकालना सुनिश्चित करें। पाँच नंबर में लिखा हुआ, प्रिंट किए गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के उपरांत महाविद्यालय में 1 प्रति जमा करना सुनिश्चित करें तथा 1 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। 6 नंबर में लिखा हुआ, यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र को पूरित करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो संबंधित छात्र छात्राओं ऐसी दशा में अपने आवेदित परीक्षा आवेदन पत्र को महाविद्यालय में संशोधन कराना सुनिश्चित करें। 7 नंबर में लिखा हुआ, छात्र छात्रा महाविद्यालय में त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ही जमा कराना सुनिश्चित करें। देखिए, महाविद्यालय से जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों को स्थापित करने से संबंधित प्रक्रियाएँ महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्र छात्राओं द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमानुसार जमा किए गए परीक्षा आवेदन पत्रों को सत्यापित वेरीफाई करने हेतु वेबसाइट www.rmlauexams.in खोलेंगे। सेकेंड में, यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो ऐसी दशा में महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्रा के परीक्षा आवेदन पत्र को संशोधन करने के उपरांत ही परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित किए जाएंगे तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय एवं छात्र छात्रा की होगी। तो देखिए, हम आपको सबसे बड़ा जो न्यूज़ दिखाते हैं, सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, यदि महाविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम विषय की संबद्धता सत्र 2020-21 में समाप्त हो गई है तो उस महाविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम विषय के सत्र 2021-22 से हेतु संबद्धता विस्तरण प्राप्त किए गए बिना छात्र छात्राओं का प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाए। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा प्रवेश लेकर छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रबंधक
की होगी। 5 नंबर में जो लिखा हुआ, स्नातक विषयों में पाठ्यक्रम अवधि 6 वर्ष एवं परास्नातक विषयों में पाठ्यक्रम अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी यदि छात्र छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किया जाता है एवं परीक्षा आवेदन पत्र को संबंधित महाविद्यालय द्वारा सत्यापित वेरीफाई किया जाता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र छात्रा एवं महाविद्यालय की होगी। उक्त पूरित किए गए परीक्षा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे। ये जो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है, तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने में कोई भी त्रुटि हो तो आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिए या कॉलेज के कोई भी टीचर से संपर्क कर लीजिए, और ऐसे नहीं ज़्यादा समझ में आएगा तो आप हमसे भी हेल्प लीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे जितना तक हमको पता रहेगा। बाकी गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरने के लिए, आपसे यही इतना हम कहना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी आने वाली वीडियो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक दोस्तों।